पिछले दिनों नीतीश कुमार की राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बात हुई है। इस बैठक को विपक्षी एकता की दिशा में जमी बर्फ को पिघलाने वाला बताया जा रहा है। बैठक में तय किया गया है कि अब हर महीने नैरेटिव बनाने के लिए एक विपक्षी राज्य में बड़ी मीटिंग रखी जाएगी। इस बड़ी बैठक में अधिकतर विपक्षी नेता आएंगे, साथ ही ऐसी मीटिंग की कोशिश होगी जो एक दिन से अधिक की हो। आपको बता दें कि जिससे विपक्ष के पक्ष में माहौल बन सके। हालांकि इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले तमाम विपक्षी दलों के नेता एक दूसरे से मुलाकात कर आपसी कंफ्यूजन को दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक बार यह सिलसिला शुरू हुआ तो फिर किसी तरह की गलतफहमी आने ना आ जाए। आपको बता दें कि एक विपक्षी दल के सीनियर नेता ने बताया है कि इस साल 15 अगस्त तक विपक्षी एकता और इसका ब्लूप्रिंट पेश हो जाएगा। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर विपक्षी खेमे को एकजुट करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसकी एक झलक तब दिखी जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि मीटिंग के बाद जब नेता मीडिया में पहुंचे तो उन्होंने इस मुलाकात को एक ऐतिहासिक मुलाकात करार दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इस ऐतिहासिक बैठक में हमने बहुत चीजों पर चर्चा की है, आने वाले वक्त में सभी विपक्षी दलों को एक करना है और चुनाव में एकजुट होकर लड़ाई लड़ना है। हम सब मिलकर इस रास्ते पर काम करेंगे। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अंतिम रूप से बातचीत हो गई है और इसी के आधार पर आगे अधिक से अधिक दलों को साथ लाना है। हम ज्यादा से ज्यादा दलों को पूरे देश में एकजुट करने की कोशिश करेंगे। सब लोग सहमति जताएंगे, एक साथ बैठेंगे और मिलकर ही चलेंगे, यह बात तय हुई है। दलों से जुड़े इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस दिन बैठेंगे उस दिन जानिएगा, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। राहुल गांधी ने बैठक को विपक्षी एकजुटता के लिहाज से एक ऐतिहासिक करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि विचारधारा की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने एकजुटता की कोशिश को एक प्रक्रिया करार देते हुए कहा कि देश के लिए विपक्षी के दृष्टिकोण को विकसित ही करने वाले हैं। जितने भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको साथ लेकर देश में विचारधारा की लड़ाई को लड़ेंगे। आपको बता दें कि इस संदर्भ में हर महीने एक मीटिंग होगी, इसकी बैठक की गई है। बता दें कि कहा गया है कि हर महीने एक मीटिंग को हेल्ड किया जाएगा और उसमें सभी विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे, ताकि जो भी गलतफहमी हो वो पहले ही दूर कर ली जाए और हर महीने एक मीटिंग हो और 15 अगस्त तक ब्लूप्रिंट सामने आ जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।